डॉक्टर पंकज कौशिक, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदान गैस्ट्रोएंडोस्कोपिक सेंटर आगरा की तरफ से सबको ये बताना चाहता हूँ कि अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो खाने पीने का खासकर ध्यान रखा जाए। इसमें प्रदूषित खाना या प्रदूषित पानी पीने से बचा जाए, नहीं तो आजकल हेपेटाइटिस की बीमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, खासकर बच्चों में जो स्कूल में जाते हैं और आसपास की जगह बीच में लंच ब्रेक होता है उसमें खा लेते हैं। इससे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके लक्षण काफ़ी कॉमन होते हैं, जैसे भूख न लगना, आँखें पीली पड़ जाना, पेशाब पीला होने लगना, पेट में दर्द होना, बुखार आ जाना। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण किसी भी बच्चे को या बड़े को दिखते हैं इस मौसम में तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, यह हेपेटाइटिस हो सकती है। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है उल्टी और दस्त होने का। प्रदूषित खाना खाने से हमें पेट में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको हम कॉमन भाषा में फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, उसका उन्हें खतरा रहता है। बुज़ुर्गों में काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है, जिससे कि डिहाइड्रेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसलिए इससे बचा जाए, पानी का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन किया जाए और बाहर के कटे हुए फल बिल्कुल ना खाए जाएं। घर का शुद्ध भोजन करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। धन्यवाद।